बीसीसीआई ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली T20 की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान गुरुवार को कर दिया। टीम में एक बार फिर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को जगह नहीं दी गई है। उनकी जगह ऋषभ पंत ही विकेटकीपिंग का जिम्मा संभालेंगे। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को सीरीज में आराम दिया गया है। वहीं हार्दिक पंड्या की टीम में वापसी हुई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले चहर भाइयों दीपक चहर और राहुल चहर को फिर मौका दिया गया है। नवदीप सैनी भी टीम में शामिल किए गए हैं। विंडीज के खिलाफ T20 सीरीज खेलने वाले सभी खिलाड़ी शामिल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज का पहला मैच 15 सितंबर को धर्मशाला, दूसरा मैच 18 सितंबर को मोहाली और तीसरा मैच 22 सितंबर को बेंगलुरु में खेला जाएगा। सीरीज के लिए टीम का चयन 4 सितंबर को होगा। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में खेलने वाले ज्यादातर खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया है। चयनकर्ता 2020 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखकर खिलाड़ियों को लगातार मौका देना चाहते हैं। विंडीज के खिलाफ सीरीज में नहीं खेले थे धोनी। इससे पहले वेस्टइंडीज के दौरे में भी टीम में शामिल नहीं थे। बीसीसीआई की तरफ से जारी बयान में कहा गया था कि धोनी खुद इस दौरे में शामिल नहीं होना चाहते थे। तब धोनी भारतीय सेना में सेवाएं देने के लिए कश्मीर गए थे। हालांकि बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को ही न्यूज एजेंसी से कहा कि वर्ल्ड T20 के पहले मैच से पहले भारतीय टीम 22 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी, इसलिए चयनकर्ताओं का नजरिया अब स्पष्ट है कि यह आगे बढ़ने का समय है। वे सीमित ओवरों के लिए खासकर T20 के लिए 3 विकेटकीपरों का पूल तैयार करने की योजना बना रहे हैं। T20 टीम विराट कोहली, कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान शिखर धवन, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, ऋषभ पंत, हार्दिक पंड्या, कृणाल पांड्या, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल चहर, खलील अहमद, दीपक चहर, नवदीप सैनी।